back to the new video of Sports Infotech, and my name is Ankish Sharma. You're watching the one and only Sports Infotech. So I welcome you all. So आज का video काफी important होने वाला है, because today I'm going to discuss कि अगर आप sports industry माने का सोच रहे हैं, अगर आप सोच लिए कि मेरे को sports industry में ही आना है, मेरे को sports payment में ही रहना है, so ये 5 चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है बात, जो मैं तुम लोग को इस video में बताऊंगा, ठीक है? In case you're watching me new, so my name is Ankish Sharma and I make videos on sports. Actually this channel is all about sports industry. आप कैसे sports industry में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, knowledge about sports industry का आपको इस चैनल में मिलता रहता है, जो शॉली आपको हेल्प करेगा टू ग्रो इन योर लाइफ। तो सबसे पहला पॉइंट है जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में तुमको आने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा, वो है प्रॉपर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस हर एक फील्ड में। तो वैसे ही स्पोर्ट्स फील्ड जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन IPL, ठीक है? अब IPL में क्या हो रहा है कि प्लेयर लोग आ रहे हैं, देन मैचेस हो रही है, ठीक है? बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पोर्ट्स परमानेंट स्टूडेंट की आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock पहुंच जाना है ग्राउंड में। 10 o'clock आपका रिपोर्टिंग है, बट आप पहुंच रहे हैं 10:30 में या 11। सो इससे क्या हुआ, आपका डिसिप्लिन एकदम नहीं है। सो कभी भी स्पोर्ट्स मोमेंट में ये याद रखना कि तुमको आने से पहले अपना डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ऑन द ग्राउंड पहुंच जाओ सही टाइम में, आधा घंटा पहले पहुंच जाओ वो सही है, लेकिन लेट पहुंचना वो गलत है, ठीक है? तो ये लॉट ऑफ पीपल लाइक ऐसे जो बोलते हैं कि 9:30 को हम पहुंच जाएंगे, बट वो लोग आते हैं 10:30, ठीक है? तो ये चीज तो सही नहीं है ना। अगर आप बोल रहे हो वर्ड तो वो फॉलो करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। सेकंड हो गया है कि यू डोंट हैव हॉलीडेज। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं तो ये तुम सोच लो कि तुमको संडे सैटरडे इवन फेस्टिवल्स में भी आपको काम करना पड़ सकता है, बिकॉज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक इंडस्ट्री का जो फील्ड है वो वैसे ही वर्क करता है। संडे सैटरडे हमारा पूरा मैचेस होती रहती है हर जगह, आपको पता ही है। सो मैचेस होंगे तो आपको भी जाना पड़ेगा एज अ स्पोर्ट्स परमानेंट स्टूडेंट वहां पे, ठीक है? सो इसलिए आपको हो सकता है कि ज्यादा मैचेस सैटरडे संडे को ही हो, और इवन हॉलीडेज में। जो सोचते हैं कि बस फन वन करना है, एंजॉय करना है, और हॉलीडे आ रहा है तो एंजॉय करेंगे, पूरा बॉडी को रेस्ट देंगे, वैसा यहाँ पे नहीं होने वाला है सीन। आपको ज्यादा चांसेस है कि यू हैव टू वर्क इन, आपको इस टाइम में ही वर्क करना पड़ेगा सैटरडे संडे और इवन पब्लिक हॉलीडेज में भी, ठीक है? ये तो माइंड में अपना पहले फ्रेम करके ही एंट्री करना है, इसमें फ्रेम करके तुम इस फील्ड में आना, ठीक है? वरना बाद में जाकर तुमको दिक्कत होगा फिर। देन थर्ड पॉइंट है रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एज वेल एज जूनियर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बिकॉज एज अ स्पोर्ट्स परमानेंट स्टूडेंट, एज अ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अगर आप एंट्री कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट से बात करना, सुनना, देन समझ के सॉर्ट आउट करना मैटर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे एकदम गुस्सा से बात करेंगे, हो सकता है कि आपको एक ऐसा वर्क दिया जा रहा है जो आपको करने का मन नहीं है, वो वर्क ऐसा आपको टास्क दिया गया है जो आपको एकदम करने का मन नहीं है, बट फोर्सफुली आपको वो करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सीनियर, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर जूनियर, इट गोज फॉर सीनियर ऑल्सो। आप दोनों को एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके काम करना पड़ेगा। अगर आपको कोई सीनियर बोल रहे हैं कि ये काम करो तो आपको करना पड़ेगा विदाउट एनी चांसेस कि आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? और अगर आप जूनियर है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप काम उनको सही टाइम में करके देंगे। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग दोनों का एक म्यूचुअल अच्छा बॉन्डिंग हो। इसीलिए आई रिपीट कि रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एज वेल एज जूनियर्स ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में आते हैं, ठीक है, वो लोग इतना फोकस हो जाते हैं कि दे डोंट केयर ऑफ देयर बॉडी, दे डोंट केयर ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो, देन सही टाइम में वाटर नहीं लेना, देन खाना को अवॉइड करना, ये सब चीज काफी होता है, बिकॉज आप फोकस हो जाते हैं तो आपको मन नहीं करता है, आप सोचते हैं अभी टाइम दे रही है चलो बाद में खाते हैं, वो सब चीज नहीं करना है। यू हैव टू मेंटेन योर हेल्थ ऑल्सो। अगर आपका हेल्थ सही है तो देन यू आर एबल टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है? अगर आपका हेल्थ सही है देन यू कैन वर्क, अगर आपका हेल्थ सही नहीं होगा तो वर्क कैसे करेंगे? इसीलिए प्रॉपर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, प्रॉपर फूड इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द स्पोर्ट्स इवेंट विच यू आर डूइंग, स्पेशली इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई रियली फेल्ट कि ये मेरे को बोलना चाहिए था, इसलिए आई टोल्ड यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी जाओगे तो कुछ ना कुछ एक बिस्किट या कहीं पे लेके जाओ, ऐसा नहीं कि विदाउट एनी फूड यू हैव केम एंड यू आर वर्किंग, दैट्स नॉट अ गुड साइड टू शो। फिफ्थ पॉइंट टाइम मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये टाइम मैनेजमेंट अगर आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है। पर टाइम आपको यूज करना है एकदम सही, वर्क में जब फ्री टाइम मिल रहा है आप फ्री टाइम में एकदम रेस्ट करिए, देन आपको चिल करने का टाइम है तो आपको चिल टाइम भी मिलता है, आप थोड़ा फ्रेंड लोग के साथ बात कर सकते हैं, फैमिली के साथ बात कर सकते हैं। वर्क में एकदम पूरा वर्क में फोकस रहिए, ऐसा नहीं कि आप वर्क नहीं करके वो सब चीज में ध्यान दे रहे हैं और आपका वर्क कैसे नहीं हो रहा है, ये सब चीज यहाँ पे नहीं चलता है। आपको अगर वर्क मिला है तो आप सही से करिए, अगर आप सही से नहीं करेंगे तो आपके पीछे बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ये चीज माइंड में रखना तो कुछ भी तुमसे छूटने वाला नहीं है, तुम खुद काम करोगे। तुम अगर कुछ भी थोड़ा से डाउन हो गए तुम्हारे पीछे जो कॉम्पिटिटर है वो तुमसे आगे बढ़ जाएंगे, ये माइंड में रख के काम करना हमेशा, देखना तुम कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। 5 पॉइंट विच आई हैव गिवन यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर कमिंग इनटू अ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एंड इफ यू आर कमिंग इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एज वेल, क्योंकि ये सब पॉइंट आपको कोई बताएंगे नहीं, ये मेरा जस्ट एक्सपीरियंस था, उस साल से मैंने वर्क करके यहाँ पे फील किया है, ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए आप ट्राई टू मेक अ वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। हम लोग प्यार करते रहो, अनजान को सपोर्ट करते रहो, हम लोग 1K के बहुत ही सामने हैं, तो 1K सब्सक्राइबर भी दूनी हम लोग कंप्लीट हो जाएगा चैनल में, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि हम लोग बहुत अच्छा से ग्रो कर रहे हैं। सो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू आवर मेंबर, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड विश यू ऑल द बेस्ट।